हे गाइस, दिस इज साइबर ऋषि बैक हियर विद द न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैरट ओएस के एप्लीकेशन के अंदर इंटरनेट वाले ऑप्शंस की। तो पहले चला लेते हैं एक बार उसको। मैं अपना पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम वीएमवेयर के अंदर चला रहा हूं और इसको मैं कर लेता हूं फुल स्क्रीन। तो मैं अभी अपने चैनल पे पैरट ओएस के ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहा हूं। वन बाय वन हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं इन सब टॉपिक्स की, और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के अंदर ये सारे जो ऑप्शंस आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरनेट और उसके बाद हो सका तो ऑफिस के बारे में भी सारी चीज़ें देख लेंगे, क्योंकि इन दोनों के अंदर कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। इंटरनेट वाले ऑप्शन में आधी से ज़्यादा चीज़ें तो लोगों को नाम से ही समझ में आ जाएंगी, उसके बाद आ जाएंगे ऑफिस पे। जिन लोगों ने MS ऑफिस यूज़ कराया है वो ये भी आराम से यूज़ कर लेंगे। हम इन दोनों को आज ही ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद मूव करेंगे अपना पेन टेस्टिंग के ऊपर, जो कि हमारा मेन कॉन्टेंट है। तो सबसे पहले इंटरनेट के अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है ये क्लॉज मेल का। इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि हम इससे मेल कर सकते हैं, और जो हमारा क्लॉ मेल है वो पूरी तरीके से फ्री और ओपन सोर्स है। ये लिनक्स में भी चलता है, विंडोज़ में भी चलता है, पैरट में भी चलता है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में, सिर्फ हम लोग अपना मेल इससे कर सकते हैं। नीचे मूव करते हैं तो ये हमारा फायरफॉक्स है, ये हमारा वेब ब्राउज़र है, और उसके बाद आ जाता है फायरफॉक्स प्रोफाइल मैनेजर। ये दोनों के बारे में आपको पता ही होगा, फायरफॉक्स और उसका प्रोफाइल मैनेजर। नीचे आ जाते हैं हम लोग GQRX। GQRX एक SDR है, जिसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो रिसीवर। उसके बाद मूव करते हैं हम लोग अपने हैक्स चैट पे, और मैं एक बार बता दूं कि ये जितने भी जैसे GQRX है और इसके अंदर दो तीन और आएंगे, उसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी वैसे लाइफ में ज़्यादा काम आते नहीं। अगर हमें पढ़ना है उसके बारे में तो अच्छे से नॉलेज लेनी पड़ेगी अगर हम उस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं। तो बस ये एक हल्का सा ओवरव्यू है कि ये क्या होते हैं, मतलब क्या है इनका, बस वही सब। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने हैक्स चैट पे। हैक्स चैट का एक फ़ायदा है कि हम इसको कमांड लाइन से भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ के साथ ग्राफिकल वर्जन भी है इसका, तो हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। और एक बार जब मैंने इस पर क्लिक करा तो देख सकते हैं यूज़र इन्फॉर्मेशन, निकनेम, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, ये सब बता रहा है, जो कि मैं चेंज कर सकता हूँ बाद में। नेटवर्क्स वगैरह है और ऐड रिमूव, काफ़ी सारे ऑप्शन हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। और इसको यहाँ पे भी हम बंद कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर भी। और मूव करते हैं हम हेडसेट के नीचे अनियन सर्किट्स। अनियन सर्किट, ये एक बार जब मैं इस पर अपना कर्सर लेके आता हूँ तभी वो आधी चीज़ तो हमें वहीं बता देता है कि मॉनिटर टॉर सर्किट्स एंड कनेक्शंस। उसके बाद आ जाते हैं अनियन शेयर पे। हम लोग इससे अपनी फाइल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं पूरी सिक्योर तरीके से, एनोनिमसली ओवर टॉर की मदद से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्यूब बिट टॉरेंट। इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप में से आधे से ज़्यादा लोग जानते होंगे कि ये किस चीज़ के लिए काम आता है टॉरेंट। फिर आ जाते हैं रिमिना। इसके नीचे लिखा हुआ है कनेक्ट टू रिमोट डेस्कटॉप। ये जैसे हमारा विंडो के अंदर हम लोग रिमोट डेस्कटॉप लेते हैं अपना, रिमोटली किसी का एक्सेस लेते हैं, उसके लिए हमें ये दिया गया है पैरट के अंदर। और नीचे आ जाता है रिमोट डेस्कटॉप व्यूअर। ये दोनों सेम ही हैं। उसके बाद आ जाता है रिवोल्ट पे। यहाँ लिखा हुआ है कनेक्ट टू मैट्रिक्स चैट नेटवर्क, और ये एक मैट्रिक्स चैट सर्वर भी होता है, काफ़ी सारे होते हैं ये। बता देता हूँ कि क्या होता है। मैट्रिक्स एक ओपन स्टैंडर्ड लाइट वेट प्रोटोकॉल है, जो कि हेल्प करता है हमें रियल टाइम कम्युनिकेशन के अंदर। इट इज़ डिज़ाइन टू अलाउ यूज़र विद अकाउंट्स एट वन कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर टू कम्युनिकेट विद अदर ऑफ अ डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर वाया ऑनलाइन चैट, वॉइस ओवर IP एंड वीडियो टेलीफोनी। ये जो भी मैंने सेंटेंस बोला है ये मैंने गूगल से रीड करके बोला है डायरेक्ट, क्योंकि इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, बस बताना था तो गूगल से इन्फॉर्मेशन लेके मैंने बताई। मूव करते हैं इसके नीचे। ये है एक एनोनिमस इंस्टेंट मैसेजिंग, हम भी इससे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। नीचे मूव करते हैं तो एक आ जाता है हमारे पास SSL एंड SSH VNC व्यूअर, और फिर टॉर ब्राउज़र। टॉर ब्राउज़र के बारे में सब लोगों को पता होगा, और उसके बाद आ जाता है हमारा टॉर ब्राउज़र लॉन्चर सेटिंग। ये ढेर सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं इसकी एप्लीकेशन के अंदर इंटरनेट वाले ऑप्शन में। इनमें से कुछ के बारे में तो हमने अच्छे से बात भी नहीं करी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं उनके बारे में जानने की, बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया कि हाँ चलो ये इससे क्या होता है। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने ऑफिस के ऊपर। ऑफिस के अंदर हमें बेसिकली क्या मिलेगा, अगर आपने यूज़ करा होगा अपना MS ऑफिस तो ये उसके जैसा ही है। इसके अंदर आपको राइटर मिल जाएगा, ड्रॉ करने के लिए मिल जाएगा, एक ये कैलकुलेशन करने के लिए मिल जाएगा। जब हम इसको चलाएंगे तभी सीख पाएंगे, और आई थिंक इसके ऊपर कोई ट्यूटोरियल भी नहीं है यूट्यूब पे। जब हम चलाएंगे तो सीख पाएंगे। अगर मैं एक सिंपल सा ये राइटर खोल लेता हूँ, लिब्रे ऑफिस राइटर, और देखते हैं कि कैसे काम करता है ये, क्योंकि मैंने कभी इस पर ज़्यादा काम किया नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसके अंदर काम करने की। यहाँ पर कुछ बता रहे हैं, हम एक बार बिना रीड करे बस इसको चला लेते हैं और कुछ टाइप वगैरह करूँगा। ये बेसिकली बस एक MS वर्ड जैसा है,
जिसके अंदर हम लोग स्टाइल वगैरह लगा सकते हैं, इंसर्ट फॉर्मेट स्टाइल टेबल फॉर्म टूल्स विंडो सब कुछ हमें इसके अंदर मिल रहा है। बेसिकली एमएस वर्ड जैसा ही है और हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके अंदर बना सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है, सो अगर हम इसके अंदर डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो वो एमएस वर्ड में नहीं खुल पाएगा। अगर आप उसको विंडोज़ के अंदर खोलेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा, और अगर आप एमएस वर्ड और विंडोज़ के कोई भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर खोलेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। खुल तो जाएगा बट काफ़ी सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी, फॉन्ट अलग हो सकते हैं और साइज़ वगैरह भी अलग अलग हो जाता है कभी कभी तो। और उसके बाद आ जाता है हमारा पेन टेस्टिंग। सो पेन टेस्टिंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि इससे ऊपर जो भी सारी चीज़ें थी उसके अंदर लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता भी नहीं है सुनने में, और हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता नहीं है बताने में, क्योंकि आप खुद ही जान लो कि इसके अंदर कहीं बताने के लिए कुछ चीज़ है ही नहीं। और पेन टेस्टिंग के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। सो आज की वीडियो तो यहीं ख़त्म होती है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी भी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले हैं हम लोग अपने पेन टेस्टिंग के ऊपर और उसके अंदर सीरियसली मज़ा आने वाला है। और लास्ट में एक बात ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो कर लो। कोई भी अगर आपको कुछ सजेशन वगैरह देना हो या फिर कोई टॉपिक वगैरह पे वीडियो चाहिए हो जो अगर मुझे आता हो तो मैं उस पर ज़रूर बनाऊँगा। कभी कभी लोग इंस्टाग्राम पर आते हैं मुझसे बात करने, करी है लोगों ने बात, अपने डाउट्स भी पूछे हैं और बात भी करी है। सो अगर आपको आना है तो वहाँ पे आ जाओ, और नीचे ट्विटर का भी दिया हुआ है मैंने लिंक। सो ट्विटर पे वैसे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं ट्विटर पे, बस मैंने अकाउंट बनाया हुआ है रीट्वीट्स वगैरह करने के लिए। सो अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। जब तक लिए बस ख़त्म।